नमस्कार, सीजी न्यूज फ्लैश 24 में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन बालोद जिले के लिए सौगात भरा रहा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बालोद जिले को 400 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी, जहां जिले में इन 400 करोड़ में 187 विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिसमें 97 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण और 302 करोड़ में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न हितग्राहियों और स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से भी चर्चा की। इस दौरान संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद के विधायक संगीता सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित SP कलेक्टर और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ जिला बालोद से अरुण उपाध्याय की खास रिपोर्ट, देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24। आज वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो सौगात दी है, लगभग 400 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं, इसमें तीनों विधानसभा मिला के जो उपलब्धि इन जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपने क्षेत्र के हिसाब से की, और मुझे भी 124 करोड़ का जो काम मिला है लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो विकास की एक सतत प्रक्रिया है, और निश्चित ही बालोद जिला के लिए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे संजारी बालोद के हों, चाहे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे जिला संगठन के माध्यम से, लगभग जो विकास की बातें माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है, उन बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं और समस्याओं को जितनी जल्दी हो सके उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं और जल्दी ही इसका निवारण करते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और निश्चित ही एक सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी जो बालोद जिला को दिया है, और विकास कामों के लिए भी हमने निवेदन भी किया है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उन मांगों को भी पूरा कर लिया जाएगा, वे हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात और उपलब्धि होगी। गन्ना किसानों को लेकर के खासतौर पर जब बात की जाए, गन्ना का रकबा लगभग 2000 हेक्टेयर से अब 1200 हेक्टेयर के आसपास पहुँच चुका है, तेजी से गिरावट बड़े मात्रा में है, उसको सुधार के लिए क्या प्रयास किया? मैंने अभी आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन भी किया है और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर गौर किया है, और हमने भी निवेदन किया और किसानों से हम आज भी निवेदन कर रहे हैं, यदि आप गन्ना का रकबा बढ़ाते हैं तो निश्चित लाभ उसको किसानों को मिलेगा, और 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको जो प्रोत्साहन राशि उनको भी दिया जाएगा, और यदि रकबा बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो निश्चित ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि बालोद जिला में भी एथेनॉल का प्लांट स्थापित किया जाए, तो निश्चित ही इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आज के जिला को जो 400 करोड़ का माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है, और इसमें हम सभी लोग के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और बहुत खुशी की बात है। एक्चुअली मुख्यमंत्री जी तो खुद उस समय कुछ महीनों पहले यहाँ खुद आना चाह रहे थे भूमि पूजन के लिए, लेकिन उस सत्र बजट सत्र और कोरोना के चलते उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया, और कोरोना के चलते इस बार वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विधानसभा में 129 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। ये मेरे लिए विधान संजारी बालोद विधानसभा की तरफ से माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, हमारे प्रदेश की जनता की, हमारी विधानसभा की जनता की तरफ से। और साथ में मैंने एक मांग रखा है और मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आश्वासन मिला है। हमारा जो बालोद विधानसभा है कृषि प्रधान विधानसभा है, तो मेरी मांग थी कि यहाँ पे कृषि महाविद्यालय की कमी है, और उस मांग को बहुत जल्द हम पूरा करने में, और 3 साल के पहले ही हो सकता है अगले बजट में मिल जाए, ये विश्वास करती हूँ।